न्यू ग्रुप में एक ट्रेड दिया गया था सेल रिलायंस बिलो 2438, इसके नीचे जाएगा तो मेरे को क्या करना था, सेल करना था। 2438 के नीचे क्या करना था, मेरे को सेल करना था। जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन आया, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला रिलायंस में। फर्स्ट टारगेट था मेरे को क्या 2403 एंड सेकंड टारगेट था 2336 रुपीस का। यहाँ पे रिलायंस का ब्रेकडाउन आया एंड जैसे ब्रेकडाउन आया यहाँ पे रिलायंस कंटिन्यू क्या हो गया, एक बड़ा सा फॉल यहाँ पे दिखा। रिलायंस में मेरा पोजीशन जो था 7500 इस अकाउंट में मैंने बुक किया एंड वोल्टास का मेरा लॉस चल रहा है, इसको होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा तो वोल्टास निकाल देंगे। 7500 रिलायंस इस अकाउंट में बुक किया और इस अकाउंट में 7600 रुपया इस अकाउंट में बुक किया। टोटल मेरा ओवरऑल 15000 का प्रॉफिट मेरा बना रिलायंस से। अब यहाँ पे जो ट्रेड था, इस ट्रेड का पीछे का रीज़न शेयर करते हैं। रिलायंस में एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला था कुछ दिन पहले, एक रैली आया था, फिर मार्केट क्या क्या बेस बना है, एक ट्रेड लाइन है जिस ट्रेड लाइन से रिलायंस हर बार सपोर्ट लेके क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे हम फिर क्या देख रहे हैं कि रिलायंस रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अब रिलायंस इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, रिलायंस में सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। जस्ट मेरे को वेट करना था कि रिलायंस अपना इस ट्रेड लाइन को तोड़ दे। रिलायंस जैसे इस ट्रेड लाइन को तोड़ा, वैसे ही अपने को यहाँ पे एंट्री लेना था, ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना था और ट्रेड को क्या करना था, ट्रायल करना था। तो यहाँ पे जो मेरा रिलायंस का पोजीशन है, ये एक बुक कर चुके हैं, ये बुक कर चुके हैं। मेरा जो वोल्टास का पोजीशन है, अगर वोल्टास यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है, वोल्टास का थोड़ा सा स्टॉप लॉस बचा हुआ है, अगर वोल्टास में स्टॉप लॉस हिट होता है तो वोल्टास एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हम लोग वोल्टास को होल्ड करेंगे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है। यहाँ से जो रिवर्सल आएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वोल्टास एग्जिट, अगर नीचे गया तो फिर मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा।